तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापत, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम राजकीय जवर उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़े हुए हैं और हम AVM और HRD स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बॉयज अभी यहाँ से निकलेंगे, जितने भी गर्ल्स, उन सभी का इंटरव्यू लेंगे कि आज उनका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया। साइंस स्ट्रीम का आज इंटरव्यू हो रहा है और AVM और HRD के जितने भी बालक होंगे वो सभी बताएंगे कि आज उनकी स्कूल ने कैसा पेपर दिया और क्या उनकी स्कूल वो रंग ला पाएगी उन्होंने एक साल में जो मेहनत की है वो आज हम देखेंगे और थोड़े बहुत सवाल जानेंगे। धन्यवाद, बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। कैसा हुआ आज का पेपर? बहुत शानदार हुआ। तो आज ऑर्गेनिक ज्यादा है कि इनऑर्गेनिक? दोनों का वेटेज बराबर ही था, ना इनऑर्गेनिक ज्यादा थी ना ऑर्गेनिक ज्यादा थी। तो पेपर ब्लू प्रिंट के आधार पे आ गया? एकदम ब्लू प्रिंट के आधार पे आ गया। तो अब HRD क्या रंग ला पाएगी जो उन्होंने एक साल में मेहनत किया, क्या रिजल्ट रहेगा? बिल्कुल अच्छा रिजल्ट रहेगा, टीचर ने जो जो पढ़ाया था ना उसी में से पेपर आए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया। जैसे की आप देख सकते बच्चे कह रहे टीचर ने जो पढ़ाया वैसे ही आया। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था, बस पैटर्न के हिसाब से मॉडल का नहीं था, मतलब ब्लू प्रिंट के आधार पर नहीं था। नहीं था तो दसवीं में भी ब्लू प्रिंट के आधार पर पेपर नहीं आया था। तो अब ये बताइए HRD के इस बार वो रंग ला पाएगी जो इन्होंने एक साल में मेहनत की है? जी बिल्कुल ला पाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी मेहनत की है, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो कितने घंटे पढ़ाई करी? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं 7-8 घंटे इन्होंने पढ़ाई करी है। तो कितने नंबर आएंगे केमिस्ट्री में? मेरे हिस्ट्री एक्चुअली हिस्ट्री है, सॉरी हिस्ट्री में कितने आ जाएंगे? हिस्ट्री में वैसे मॉडल के हिसाब से क्योंकि पेपर नहीं था, तैयारी जिस हिसाब से की वो हुई नहीं, बट 90 से ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे बच्चे कह रहे हैं 90 से ऊपर आ जाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए। तो अब हम आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों से बात कर रहे हैं, कैसा हो पेपर आज का? अच्छा गया, सारे सवाल जो सर ने बताए थे वही आए थे। जैसा की कह रहे हैं सारे सवाल वही आए जो सर ने बताए थे। तो पेपर ब्लू प्रिंट के आधार पे आया था? नहीं, ब्लू प्रिंट के आधार पर नहीं, मतलब जैसे सर ने जो मोस्ट मोड बताए थे उन्हीं में से आए थे। अच्छा, मोस्ट बताए। तो क्या इस बार AVM वो रंग ला पाएगी जो इन्होंने एक साल में मेहनत करी है? प्रयास पूरा रहेगा। जैसा की देख सकते हैं बच्चे कह रहे प्रयास पूरा रहेगा। केमिस्ट्री का पेपर ऑर्गेनिक ज्यादा इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक ज्यादा सरल था। तो ऑर्गेनिक में सारे सवाल किए? हाँ। धन्यवाद, आज का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। तो बच्चे कह रहे आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ, ऑर्गेनिक ज्यादा इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक ज्यादा थी। तो कितने सवाल किए आज पूरे? लगभग पूरे कंप्लीट किए थे। तो इस बार HRD क्या वो रंग ला पाएगी जो उन्होंने एक साल में मेहनत करी है? उम्मीद तो है कि लेके आएगी, लेकिन ये तो अभी कंफर्म किसी को भी नहीं पता है। जैसा कि बच्चे कह रहे कंफर्म किसी को नहीं पता। धन्यवाद, आज का पेपर बढ़िया गया। बढ़िया, बच्चे कह रहे बढ़िया गया। केमिस्ट्री में कितने पेपर सरल, कितने क्वेश्चन सरल लगे? लगभग सही लगे, एक दो थोड़ी बहुत बाहर थी। ऑर्गेनिक ज्यादा ही होगी? ऑर्गेनिक होती है। तो बच्चे कह रहे ऑर्गेनिक ज्यादा है। तो क्या इस बार पेपर वैसे है जो सर ने बताया? हाँ, लगभग 100% वही थे, बड़ी वाले भी वही थे, छोटे थोड़े एक दो बाहर किताब से आए थे, बाकी सब सही था। तो ब्लू प्रिंट के आधार पर था क्या पेपर? 1-2% थोड़ा ब्लू प्रिंट से अलग था। अच्छा, बच्चे कह रहे 1-2% थोड़े अलग से ब्लू प्रिंट से। तो क्या इस बार आदर्श विद्या मंदिर क्या रिजल्ट रखेगी इस बार? अच्छा ही रखेगी रिजल्ट, बच्चे कह रहे अच्छा ही रखेगी। धन्यवाद। तो कैसा गया आज का पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर। जैसे की बच्चे कह रहे बहुत अच्छा गया, आदर्श विद्या मंदिर के भी बच्चों से हम बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार जो सर ने पढ़ाया वही आया पेपर में? पूरा वही आया, सर ने जो मोस्ट क्वेश्चन बताए वो भी आए थे, एकदम बढ़िया पेपर आया। तो बच्चे कह रहे जो सर ने बताया मोस्ट क्वेश्चन वही आए, तो पेपर ब्लू प्रिंट के आधार पर था क्या? हाँ, पूरा ब्लू प्रिंट के आधार पर था। तो इस बार आदर्श विद्या मंदिर क्या रिजल्ट रखेगी, क्या लगता है? जो ऐसा लगता है वही है, रिजल्ट तो सेम आएगा, 90% से ऊपर। हाँ, 90% से ऊपर आना। तो आपके कितने आए केमिस्ट्री में? 50 तक आ जाएंगे आराम से। जैसा कि बच्चे कह रहे 56 का पेपर होता है, 50 आ जाएंगे, 50-44 मतलब 94 नंबर का टारगेट है। यस बिल्कुल। आपका कैसा गया? आपका अच्छा, हमारा अच्छा गया।